Welcome, dear students. Let's solve question number 4 from exercise 2.4. एक बार रीड कर लेते हैं इस क्वेश्चन को. वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर. ये पहली लाइन क्या कह रही है हमें कि कोई भी दो डिजिट नंबर है, मैंने आपको पहले बताया था, जैसे एग्जाम्पल 75 है, उसका कोई भी डिजिट जैसे 7 और 5 है, इनकी एक डिजिट दूसरे से तीन टाइम्स है, मतलब तीन गुना है. और नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है कि अगर आप इन डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हो तो जो रिजल्टिंग नंबर आता है वो आता है आपका 88. ठीक है, जो रिजल्टिंग नंबर आता है वो क्या आता है आपका 88. अब इन दोनों पहले हमें क्या करना है, कुछ वन डिजिट एज्यूम करनी है और टेन डिजिट एज्यूम करनी है. तो आप एज्यूम कर लीजिए, लेट द डिजिट्स एट टेंस प्लेस, वंस प्लेस. अगर हम टेंस प्लेस की डिजिट x मान लेते हैं तो वंस प्लेस की कितनी होगी, तीन गुना उससे, मतलब 3x. ठीक है, कितनी होगी 3x. अब हम कहते हैं ओरिजिनल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर हम टू डिजिट नंबर कैसे निकालते हैं, 10 इंटू टेंस डिजिट. टेंस डिजिट हमने क्या एज्यूम की है अभी x, और हमारी वंस डिजिट कितनी है 3x, तो ये आपकी हो जाएगी 13x. अब न्यू नंबर देखते हैं, न्यू नंबर क्या होगा, हमने टेंस डिजिट की प्लेस में तो रख दिया है आपकी वंस डिजिट, और वंस डिजिट की प्लेस में रख दिया है टेंस डिजिट, मतलब 10 इंटू 3x प्लस x, ये हो जाएगा 31x. जब आप इन दोनों नंबर को ऐड करते हो, 13x को और 31x को ऐड करते हो, तो आपको 88 मिलता है. तो आप इन दोनों को ऐड करोगे क्या आ जाएगा, 44x is equals to 44x is equals to 88. 44 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, आपके पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी. तो आप यहां पे 13 की जगह 2, x की जगह 2 पुट करिए, तो नंबर क्या आ रहा है 26. और यहां पे आप जो है 31x था, 31x की जगह आप फिर 2 पुट करिए, तो नंबर आ रहा है 62. तो ये दोनों नंबर देखिए आपके उल्टे नंबर है, ये 26 का इंटरचेंज वाला पार्ट है, और टेंथ डिजिट है वो थ्री टाइम्स है आपकी यूनिट डिजिट से.